फिर नेक्स्ट है कि डीप बाइट और उसकी मैनेजमेंट। तो जो नेचुरल डेंटिशन होती है उसके अंदर दांतों का एक नेचुरल वर्टिकल रिलेशनशिप होता है। जो अपर टीथ होते हैं वो यूजली आपके लोअर टीथ को थोड़ा सा कवर करके रखते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं आप ऐसे क्या। तो जब आप इंटीरियरली मतलब फेशियल साइड से आप किसी के इंटीरियर दांतों को देख रहे हो तो ये फील होती है कि जो अपर टीथ है उसने लोअर टीथ को किसी हद तक कवर किया हुआ है। तो इसको आप नेचुरली कहते हैं कि ये ओवर बाइट है। यूजली इसको परसेंटेजेस में मतलब कैलकुलेट किया जाता है कि लोअर दांत का अगर क्लिनिकल क्राउन हम ले लें कि उसकी टोटल लेंथ फॉर एग्जांपल 10 मिलीमीटर है, तो जितना उसको अपर दांत कवर कर लेगा, फॉर एग्जांपल 4 मिलीमीटर उसने कवर किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि 40% जो है ये ओवर बाइट है उसको। तो नेचुरली आप कह लेंगे 5 to 25% वो कहता है कि अगर आपकी ओवर बाइट हो तो ये नॉर्मल होती है। जबकि 40% से ज़्यादा हो जाए, यानी अपर दांत ने लोअर दांत को 40% से ज़्यादा कवर किया हुआ है, तो इसको आप कहेंगे कि ये डीप बाइट है। अब डीप बाइट आगे से दो तरह की होती है बेसिकली। एक आपकी होती है इनकम्प्लीट ओवर बाइट और एक होती है कम्प्लीट ओवर बाइट। तो सिंपल सी चीज़ है कि डीप बाइट तो है लेकिन आपका लोअर दांत अपर दांत के या पैलेटल म्यूकोज़ा के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसको आप कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट ओवर बाइट है। जबकि अगर वो ये आपका यूजली प्रेजेंट होता है क्लास टू डिव 1 केसेस के अंदर। और अगर आपका लोअर टीथ ओवर बाइट मतलब डीप बाइट में है और पैलेटल साइड जो है अपर दांत की उसको कांटेक्ट कर रहा है या पैलेटल म्यूकोज़ा को कांटेक्ट कर रहा है, तो उसको आप कहेंगे कि ये कंप्लीट ओवर बाइट है। और कंप्लीट ओवर बाइट ऑब्वियसली आपकी ट्रॉमेटिक होती है, यानी अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो ऑब्वियसली वो आपके ओवरऑल डेंटल और जो जिंजिवल और म्यूकोजल हेल्थ है उसके लिए डेट्रीमेंटल होती है। और फिर एक चीज़ होती है कवर बाइट। कवर बाइट का मतलब है कि आपका जो मैक्सिला का दांत है उसने आपके मैंडिबल के दांत को टोटली कवर किया हुआ, यानी आप कह रहे हैं कि 100% ओवर बाइट हो, तो आप उसको कवर बाइट कहते हैं। और फिर लास्ट एक जो चीज़ है वो है क्लोज्ड बाइट। तो क्लोज्ड बाइट बेसिकली एटियोलॉजिकल डिफरेंस है। अगर आपके पोस्टीरियर टीथ अर्ली लॉस कर देते हैं या पोस्टीरियर टीथ लॉस करने की वजह से ऑब्वियसली आपके जो दांत है वो कांटेक्ट के लिए फिर सुपरा इरप्ट करेंगे, तो जो लोअर टीथ है वो सुपरा इरप्ट करके अगर कांटेक्ट में आता है जिसकी वजह से ओवरबाइट डेवलप होती है, तो उसको आप कहेंगे कि ये क्लोज्ड बाइट है। यानी बेसिकली जो पोस्टीरियर टीथ हैं वो लॉस हो गए जिसकी वजह से इंटीरियर डीप बाइट डेवलप हो गई, तो इसको आप क्लोज्ड बाइट कहेंगे। एटियोलॉजी इसकी भी बेसिकली दो तरह की है, एक आपकी स्केलेटल है एक डेंटल है। स्केलेटल सिंपल ये है कि आपका जो मैंडिबल है उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ जो ग्रोथ का पैटर्न है वो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड है, यानी आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कह लें कि हॉरिजॉन्टल ग्रोवर है वो पेशेंट जो है। और साथ ही अगर इसको एग्जैसरबेट करना हो तो वो मैक्सिला की रोटेशन वो कहता है कि वो डाउनवर्ड होगी। तो ऑब्वियसली दोनों की रोटेशन एक दूसरे से ऑपोजिट है जिसकी वजह से इंटीरियरली ओवरलैप ज़्यादा होगा दांतों में और जो है वो डीप बाइट बन जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर यूजुअली वो कहता है कि हॉरिजॉन्टल का ग्रोथ का पैटर्न मिलता है, जो इंटीरियर फेशियल हाइट होती है वो रिड्यूस्ड होती है, कम होती है। फिर सेफलोमेट्रिक एग्जामिनेशन करें तो जो सारे हॉरिजॉन्टल आपके प्लेन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं या आप कह लें कि कन्वर्जेंट होते हैं। इसके ऑपोजिट आपने ओपन बाइट में देखा था कि उसमें सारे जो प्लेन्स थे वो डाइवर्जेंट थे। और फाइनली वो कहता है जो आपकी इंट्राक्लूजल क्लियरेंस या फ्री वे स्पेस होती है वो कम हो जाती है। अब जो फ्री वे स्पेस है या इंट्राक्लूजल स्पेस है, ये आपकी स्पेस है जब आपका मैंडिबल रेस्ट पोजीशन पे होता है वर्सेस जब आपने मैक्सिमम इंट्रकस्पेशन में बंद किया होता है। इन दोनों पोजीशंस में दांतों के दरमियान में जो फासला होता है उसको आप फ्री वे स्पेस कहते हैं। तो ये कम हो जाता है, यानी आप ऐसे समझ लें कि नॉर्मल जब रेस्ट पोजीशन में भी आपका मैंडिबल होगा तो यूजुअली आपके दांत कांटेक्ट में नहीं होते, 2 to 4 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है उनके दरमियान। तो इस केस के अंदर आपके दांत आप समझ लें कि कांटेक्ट में होंगे, यानी रेस्ट पोजीशन पे भी आपके दांत मैंडिबल की रेस्ट पोजीशन पे भी दांत कांटेक्ट में होंगे या फिर 2 to 4 मिलीमीटर से कम होगा ये डिस्टेंस नेचुरली जितना होना चाहिए।
ये स्केलेटल डीप बाइट की करेक्टरिस्टिक्स थी। जो डेंटल है वो बेसिकली दो तरह से डेवलप हो सकता है, या तो आपके एंटीरियर ओवर इरप्ट कर गए हैं, या फिर आपके जो पोस्टीरियर हैं वो नॉर्मली इरप्ट नहीं किए और इंफ्रा ऑक्लूजन में प्रेजेंट है। तो फिर आप इसमें ऑब्वियसली डायग्नोसिस करेंगे कि कॉज क्या है, और उसके हिसाब से आप इसको ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट बेसिकली सिंपल यही है कि अगर तो स्केलेटल है तो आप उसको मॉडिफाई कर लें किसी तरह, और अगर आपकी डेंटल है तो आप ऑब्वियसली या इंटीरियर्स को इंट्रूड करवा दें या पोस्टीरियर्स को एक्सट्रूड करवा दें। ये सिंपल सी उसकी है। अब उसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि एंटीरियर्स को इंट्रूड करवाना है या पोस्टीरियर्स को एक्सट्रूड करवाना है, तो उसके लिए आप उसकी ओवरऑल जो प्रोफाइल है वो वगैरह वो सारा कुछ देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने लिप रिलेशनशिप्स देखने हैं। तो अगर तो इंटीरियरली उसकी लिप रिलेशन नॉर्मल है, गम शो भी नहीं है और ओवरऑल जो सारा कुछ है वो ठीक है, तो आप इंटीरियर्स को नहीं छेड़ेंगे, आप पोस्टीरियर्स को सरप्राइज मतलब इरप्ट करवाएंगे और उससे आप अपनी जो डीप बाइट है वो ठीक करेंगे। लेकिन अगर इंटीरियर शो पे आप देखते हैं कि इंसाइजल शो भी ज़्यादा है और स्माइल करने पर उसकी गमी स्माइल है, तो फिर ये बेहतर है कि आप इंटीरियर्स को इंट्रूड करवा लें एज़ कम्पेयर टू कि पोस्टीरियर्स को एक्सट्रूड करवाएं। फिर ग्रोथ आपने देख लेनी है। अगर तो आप ग्रोइंग पेशेंट में करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट जल्दी आएगा, अच्छा होगा और स्टेबल होगा। अब फिर आपने वर्टिकल फेशियल रिलेशनशिप्स देख लेने हैं कि जब आप पोस्टीरियर टीथ को एक्सट्रूड करवाते हैं, और मतलब ऑब्वियसली वो एक्सट्रूड होगा तो उसका एक ओवरऑल इफेक्ट होता है, जिस तरह पिछले जो आपने क्रॉस मैट पड़ी उसमें भी देखा था, जब आप मैक्सिलरी एक्सपेंशन करवा रहे थे तो जब बकल टीथ फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर टीथ बकली टिल्ट हो रहे थे तो उनके पैलेटल कस्प नीचे आ रहे थे, थोड़ा सा क्लूजली आ रहे थे, जिसका इफेक्ट ये था कि मैंडिबल जो था वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ग्रो कर रहा था। इसी तरह इसमें भी जब आप पोस्टीरियर्स को एक्सट्रूड करवाएंगे तो मैंडिबल पे ओवरऑल इफेक्ट ये आएगा कि वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ग्रो करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फेशियल हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर वो पहले ही शॉर्ट इंटीरियर फेशियल हाइट का पेशेंट है तो ये पोस्टीरियर्स को एक्सट्रूड करवाना बेहतर है, उस केस में उसकी फेशियल हाइट इम्प्रूव होगी उससे, निस्बत ये कि आप इंटीरियर्स को इंट्रूड करवा के तो मज़ीद उसकी हाइट को जो है वो शॉर्ट कर दें। फिर इंटरक्लूजल स्पेस की कंसिडरेशन है। तो सिंपल है, अगर तो वो नॉर्मल है पहले तो आप पोस्टीरियर्स को ना छेड़ें, लेकिन अगर वो पहले ही नॉर्मल से ज़्यादा, यानी वो नॉर्मल 2 to 4 mm होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 6 mm है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप पोस्टीरियर्स को एक्सट्रूड करवा लें। लेकिन अगर वो नॉर्मल है तो फिर पोस्टीरियर्स को ना छेड़ें, इंटीरियर्स की इंट्रूजन से आप उसको ठीक कर लें। अब ठीक करने के लिए जो रिमूव जो अप्लाइंसेज यूज़ होनी है, उसमें सबसे पहले आपकी रिमूवेबल अप्लाइंसेज आ जाती है, जो कि बेसिकली एक इंटीरियर बाइट प्लेन होता है। अब बाइट प्लेन का बेसिकली काम यह है कि वो पोस्टीरियर दांतों को डिसक्लूड करवा देगी जो कि फ्रीली इरप्ट करेंगे, और दूसरा इसका थोड़ा सा इफेक्ट ये भी होगा कि इंटीरियर दांतों पे थोड़ी सी इंट्रूसिव फोर्स भी लगेगी, लेकिन बेसिकली आपके जो है वो पोस्टीरियर जो है वो एक्सट्रूड होंगे। फिर आपकी फंक्शनल अप्लायंस थेरेपी आ जाती है। उसमें आपने डिफरेंट अप्लायंसेज पढ़ी थी, जिसमें आप एक्रेलिक की ट्रिमिंग इस तरह करते हैं, जिस तरह आपका एक्टिवेटर था कि वो पोस्टीरियर्स की एक्सट्रूजन को हेल्प करता है। इसी तरह आप बायोनेटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप दांतों की सेलेक्टिव एक्सट्रूजन या इंट्रूजन करवा सकते हैं। और फिर फिक्स्ड अप्लायंस थेरेपी, उसमें आप डिफरेंट तरह की वायर्स यूज़ करते हैं इंटीरियर्स को इंट्रूड करवाने के लिए। तो सबसे पहले आपकी जो यूज़ होती है उसको आप कहते हैं एंकरेज बैंड्स। तो एंकरेज बैंड्स बेसिकली एक वायर है जिसको जब आप मोलर ट्यूब के अंदर फिट कर देंगे तो वो इंटीरियरली आपकी वेस्टिब्यूल के अंदर या जिंजिवली पड़ी होगी दांतों की ब्रैकेट्स की निस्बत। तो जब आप इसको उठा के सारी ब्रैकेट्स के अंदर फिक्स करेंगे तो वो ऑब्वियसली अपनी पोजीशन में वापस जाना चाहेगी नीचे, तो सारे दांतों को नीचे की तरफ फोर्स लगा के देगी और इंटीरियर्स आपके इंट्रूड हो जाएंगे। दूसरी आपकी इसी तरह की वायर है, वो आपकी रिवर्स कर्व ऑफ स्पी वायर। जिस तरह दांतों का नॉर्मल कर्व ऑफ स्पी होता है कि पीछे जिस तरह पीछे जाते जाएँ उस तरह ये मतलब ऊपर की तरफ जाता जाता है, ये बिल्कुल इसके मतलब समझ लें ऑपोजिट होगी। यानी जब आप इसको मोलर बैंड के अंदर लगा देंगे तो इंटीरियरली ये नीचे आती जाएगी, और इसी तरह इसको जब आप उठा के ऊपर सारी ब्रैकेट्स में लगाएंगे तो ये उन पर इंट्रूसिव फोर्स लगा के उनको बंद कर उनको मतलब इंट्रूड करवा देगी, और इंट्रूड होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो डीप बाइट है वो बेहतर हो जाएगी।
फिर आ जाती है आपकी इंट्रूजन आर्चिस। इंट्रूजन आर्चिस बेसिकली ये चीज़ है, ये एक वायर है आपकी, जो जिसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि एक तो ये आपके मोलर बैंड के अंदर जो ऑक्सिलरी वायर की जगह होती है वहाँ पे लगती है, और फिर ये इंटीरियरली जाके आपके सिर्फ इंटीरियर्स को एंगेज करती है। जो 5, 4 और 3 है, यानी कैनाइन्स और प्री मोलर्स हैं, उनको इसने एंगेज नहीं करना होता, जबकि पीछे वाली दोनों जो आपने पढ़ी हैं वो सारी ब्रैकेट्स के अंदर लगती हैं। तो जो बेसिक आपकी वायर है वो पहले से लगी होगी, और आपने इसको इंटीरियरली ले जा के जो वायर लगी हुई है उस वायर के साथ बांध देना है। तो ऑब्वियसली जब इसको नीचे ला के बांधेंगे तो फिर ये ऊपर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जाना चाहेगी, और इंटीरियर अपन इंटीरियर्स पे इंट्रूसिव फोर्स लगाएगी। और फिर आपकी यूटिलिटी आर्चेज हैं, यूटिलिटी आर्चेज भी सेम प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि 3, 4 और 5 को इन्होंने नहीं छेड़ना, डायरेक्ट मोलर बैंड में लगेंगी पीछे, और इंटीरियरली सिर्फ 1, 2 जिन दांतों को इंट्रूड करवाना है बेसिकली, इन सेंट्रल्स और लेटरल्स होंगे। तो इसमें बेसिकली ये है कि इसको नीचे करके आपने ब्रैकेट्स में नहीं डालना, ये नेचुरली ही इस तरह की होगी कि सीधी सीधी ब्रैकेट्स के अंदर जाएगी। उसके बाद आपने इसको एक वी शेप्ड का बेंड देना है, जिसकी वजह से ये इंट्रूसिव फोर्स लगाना स्टार्ट होगी, और फिर आप फिक्स्ड इंटीरियर बाइट प्लेन्स भी दे सकते हैं। ये आपने रिमूवेबल में भी मतलब देखा कि आप बाइट प्लेन दे सकते हैं, और इसी तरह आप फिक्स्ड बाइट प्लेन भी दे सकते हैं जो पोस्टीरियर्स को डिसक्लूड करवाएगा और उनकी फ्रीली इरप्शन करवाएगा। इंटीरियर्स पे भी उसका थोड़ा सा ऑब्वियसली इंट्रूसिव इफेक्ट होगा। तो ये सारा आपका डीप बाइट से रिलेटेड था।